brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि कल जब सीट बंटवारा हुआ तो किस तरीके से आरजेडी ने पप्पू यादव से ना सिर्फ पूर्णिया की सीट ले ली है बल्कि उनसे उनकी लाइफलाइन छीन ली और इसी के साथ सीमांचल की वो तमाम सीटें आरजेडी ने अपने पास रखा जिससे पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अगर पूर्णिया नहीं मिला कांग्रेस को तो कोई तो एक ऐसी सीट होगी सीमांचल की जो कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव जो है वो कांग्रेस के झोली में डालेंगे ताकि पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ सके। लेकिन आपने देखा कि जब सीट बंटवारा हुआ तो किस तरीके से पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेल कर दिया और पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल की सारी सीटें आरजेडी के पास रख ली। और इसी के बाद अब पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, कांग्रेस में वो है, कांग्रेस का झंडा लेकर के वो पूर्णिया में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने तारीख भी बताई और कह दिया कि 26 अप्रैल को कांग्रेस का झंडा लेकर के वो मैदान में होंगे और लोग उनको वहां से मजबूत करेंगे। इसी के साथ बड़ी खबर ये सामने आ रही है, आपको बता दें कि 2 अप्रैल वो दिन होगा जिस दिन पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन करेंगे। अब ये खबर जैसे ही सामने आई लोग भी सवाल उठाने लगे और पूछने लगे कि आखिर पप्पू यादव 2 अप्रैल को जो नामांकन करने जा रहे हैं आखिर क्या कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है, कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़वा रही है, क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ फ्रेंडली फाइट को तैयार है या फिर पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार ये कहते नजर तो आ रहे हैं कि वो कांग्रेस के सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं, वो पूर्णिया में कांग्रेस को ही मजबूत करेंगे। आपने देखा कि उन्होंने एक पोस्ट भी किया और साफ तरीके से लिखा वहां पर और बता दिया इशारों में कि कोसी सीमांचल जिताएंगे, कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन इन तमाम पोस्ट के बाद भी अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी से फाइट को तैयार नहीं होगी और वो पप्पू यादव को समर्थन नहीं देगी, पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ाएगी। ऐसे में पप्पू यादव के पास एक निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प बन जाता है। ऐसे में देखना होगा कि पप्पू यादव आकर कैसे यहां से नॉमिनेशन करते हैं, क्या कांग्रेस के साथ होते हैं या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे संवाददाता अरिकेत कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।